شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه مجيدا لم يدل محمودا لا يدال سائر الخلق أجمعين. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نبر قلوبنا ببقاء الحسين ومصائب سيد الشهداء وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وحجج الله على الخلق أجمعين. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا. صلوات بعد بلال محمد وعلى محمد وعلى محمد. سامعین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید اصغر حسین نواب حیدر، سید اکبر حسین، سید منظور حسین اور رضیا بانو شروع کو سال کر دیا. اداران مظلوم کربلا، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، میں آپ حضرات تشریف فرما ہے اور یہ مجالس، یہ ذکر، یہ دین اور مذہب بڑی زحمتوں اور مشقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. کے لیے بڑی بڑی قربانیاں اور گھر بار مال دولت سب کچھ قربان کیا گیا. آج بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس مسجدیں بھی ہیں، اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، دیگر ساری عبادتیں جو آج ہمارے پاس بڑی آسانی کے ساتھ ملی ہے، یہ قربانی ہے کربلا والوں کی، جہاں ان لوگوں نے نہ دھوپ دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ فرش دیکھا، نہ کھانا دیکھا، نہ زندگی دیکھی، بس ایک ایم، ایک مقصد، یاد خدا، ذکر خدا، مقصد الہی دنیا میں پہنچ جائے. تو میرے عزیزوں، ہم نے چونکہ یہ نعمت بڑی آسانی کے ساتھ پائی ہے، لہذا اس کی قدر نہیں ہوتی. تھوڑا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ دھوپ ہے، گرمی ہے، پنکھا نہیں ہے، لیکن یہ احساس رہے کہ ایسی ہی یادگار ذکر ہے، یادگاروں کا
जिन्होंने सूरज की पूरी किरणें जख्मी बदन पे ले ली और शैतान कहता है कि मैं हार गया। शैतान ने यही तो कहा था कि परवरदिगार मैं ये कैसे मान लूं कि तेरा सबसे बड़ा साबिर बंदा हुसैन है। क्या चाहता है शैतान? का पूरी कायनात की एक थोक की किरणें गर्मी हुसैन इब्न अली के बदन पे डाल दे, पूरी दुनिया से हटा के। अल्लाह आवाज दे रहा है कि मेरा साबिर बंदा देख शैतान, पूरी कायनात की धूप जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ी, आज भी इमाम हुसैन के रोजे के सामने किबला गाह है जो, वहां एक जगह मखसूस है जहां हुसैन अकेले हैं और पूरी दुनिया की धूप हुसैन के बदन में पड़ रही है, जहां पूरा बदन जख्मी, फिर भी हुसैन ने अपने हवा के बटन को खोला और आवाज दिया, देख परवरदिगार तेरा दीन बाकी रहे। हुसैन सब सारी मेहनतें और जहमतें और तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, जिस बात पे खुदा ने फख्र किया है उसे हुसैन कहते। लिहाजा सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अब अलविदाई मजालिस में, इख्तितामी मजलिस में हम ये धूप का या गर्मी का सवाल न करें, थोड़ी देर नाम हुसैन पे पसीना बह जाए तो यकीनन ये अजमतों वाले हैं कि जहां उनका खून बहा हम उनकी याद में पसीना भी बहा देते हैं, जो एक पसीने पे अल्लाह 70 नबियों के वसीले से 70 मलाइका खल्क करता है। तवज्जो करिएगा, याद हुसैन राह हुसैन में नाम हुसैन पे जो एक पसीना भी खर्च करता है गिराता है, अल्लाह 70 मलाइका पैदा करता है जो उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो लिहाजा आप जैसे कि मुसलसल मजालिस में आप समात फरमा रहे हैं, मेरा उनवान गुफ्तगू यह है नेमत इलाही और उसका शुक्राना। बात पहुंचे तो बोलिएगा ताकि ये समझ में आए कि हम अली के मानने वालों से बात कर रहे हैं, अली के समझने वालों से बात नहीं कर रहे हैं। दोपहर का असर भी न हो और गर्मी का भी असर न हो, इसलिए कि किसी और के लिए दोपहर और धूप होगी। शिया ने अली इब्न अबी तालिब के खुशी के लिए भी और गम के लिए अल्लाह ने जो इंतखाब किया है वो दोपहर ही का इंतखाब किया है, या तो गदीर की दोपहर या असरे आशूर की। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, तो याद रखिएगा दोपहर गर्मी धूप ये किसी तरीके से हमारी आजादारी में रुकावट नहीं बनता है और नहीं बनना चाहिए। अब जो लोग आ गए हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे ताकि पीछे वालों को भी फर्श अज़ा पे बैठने की आज नेहमत मिल जाए। ये फर्श नहीं है, मैं आमादा कर रहा हूं, मुझे पीछे से इशारा किया जा रहा है कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, लेकिन जब तक आप आमादा नहीं होंगे मेरे अजीजों, ये फर्श नहीं है, ये अर्श है जिस पर बैठने के बाद मलाइका और अंबिया और मुरसलीन फख्र करते हैं। तो लिहाजा नियत करके आए हो मजलिस में आने के लिए तो फर्शे अदाए हुसैन पे आओ, और यहां आने के बाद इंसान मेराज पे जाता है, और मेराज ऐसे ही नहीं है, जो आजादारी करे आजादारों की खिदमत करे उसने 40 मरतबा पैगंबर इस्लाम की मेराज पे मुलाकात की है, वो भी अली इब्न अबी तालिब के साथ। ठीक है, 2 महीना 8 दिन आजादारी करने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि इतने थके हुए हैं कि सलावात भी ना पढ़ पाए आप। जजाकल्लाह, बड़े इन्हमाम के साथ बड़े शौक के साथ आपने
पिछली मजालिस समाज फरमाई है नेमत और अल्लाह आवाज दे रहा है अलम तरो अन अल्लाह माफी समावात माफिल क्या तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए नेमतें मुसखर कर दी हैं सजा दी हैं सवार दी हैं और जो आसमान की नेमतें हैं वो भी और जमीन की सारी नेमतें तुम्हारे लिए जो नेमतें जाहिर भी हैं पोशीदा भी हैं सब तुम्हारे लिए हमने बना दिया है तुमने नहीं देखा मेरे अजीजों कुरान ऐलान फरमा आलम तरह क्या तुमने नहीं देखा रात बात चल रही थी दीदार की क्या चीज हमने देखा है और क्या चीज नहीं देखा है दीदार मसला क्या है आज जमाना वीडियो का है ऑडियो का जमाना नहीं है लिहाजा हर आदमी यह चाह रहा है कि दीदार हो जाए और अल्लाह भी वहां ऐलान फरमा रहा है कि बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं तुम नहीं जानते और बहुत सी नेमतें जो ओपन है जिसका तुम्हें एहसास नहीं है अरे मेरे अजीज तवज्जो करिएगा जिस नेमत की तुम्हें कदर नहीं है वो क्यों नहीं है इसलिए कि कुरान ने ऐलान फरमाया कलील मिन इबादत शुकूर मेरे नमाजी बंदे कम है ये नहीं कहा मेरे रोजेदार बंदे कम है ये नहीं कहा बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम है क्यों इसलिए कि न वो नेमत को जानते हैं न नेमत की कदर होती है न नेमत की मार्फत होती है तो मेरे अजीजों याद रखिएगा बहुत सी नेमतें ऐसी हैं आखिर इंसान नेमत का शुक्र क्यों नहीं करता मैं अपने मौजू पे आ जाऊं जो मुसलसल आप मजलिसें तीन सुन चुके हैं वहां तक आप देखिए कि सिर्फ इतनी बात इशारा करना चाहता हूं हर इंसान ये सोचे ये फर्श अज़ा ये जिक्र अज़ादारी ये इमाम हुसैन का नाम ये जुलूस ये सब नेमतें इलाही है बल्कि इन्हीं नेमतों से सारी नेमतों की बका है नहीं तवज्जो करिएगा यहां बोलेंगे तो हमेशा बोलते ही रहेंगे जो यहां नहीं बोलेगा वो कब्र में नहीं बोल पाएगा कुछ मौके हैं इमाम ने अमीर अल मोमिनीन ने कहा 70 जगह पे बोलो ताकि पहचाने जाओ और 300 जगहों पे ना बोलो ताकि बोलने की फिर जरूरत ना पड़े तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों मिलजुल के एक सलावत अच्छी पढ़े ताकि पढ़ने का दिल चाहे तो अल्लाह मोहतरम इतनी सारी नेमतें इंसान उसे गिन नहीं सकता शुमार नहीं कर सकता जो अल्लाह ने छुपा के रखा है नेमतें वो भी जो ओपन जाहिर की है वो भी नेमतें आखिर इंसान उसका शुक्र क्यों नहीं करता तो पहली बात ये है कि नेमत इंसान मुस्तहक अपने आप को समझता है तो शुक्र नहीं करता ये तो मेरा हक है अरे मेरे अजीजों क्या मैं कहूं पीछे तक आवाज जा रही है ना जब इंसान नेमत को अपना हक समझता है अल्लाह ने पैदा किया वो खिलाएगा अरे माँ बाप ने पैदा किया उनकी जिम्मेदारी है आवाज जब तक तुम हक के चक्कर में रहोगे अल्लाह ने किसी का हक किसी के ऊपर रखा ही नहीं आप कहेंगे 50 तरीके का हक चौथे इमाम ने बयान किया आप कहते हैं किसी का हक नहीं है हाँ मैं आज ऐलान करने जा रहा हूं कि अल्लाह ने किसी का हक किसी के ऊपर नहीं रखा जब तक दूसरे का फर्ज न रखा हो जो मजलिसे सुनते हैं मेरे अजीजों जिन्हें तमन्ना हो हक लेने के तो पहले ये देखें कि वो कितना फर्ज अदा कर रहे हैं पड़ोसी हक अदा नहीं कर रहा है भाई हक अदा नहीं कर रहा बीवी हक अदा नहीं कर रही शोहर हक अदा नहीं कर रहा है बेटा हक अदा नहीं कर रहा है हर जगह यही होगा हर जगह यही होना कि वो हक अदा नहीं कर रहे अल्लाह ने किसी का हक रखा ही नहीं जब तक दूसरे का फर्ज में रखा हो आप कहेंगे दलील अल्लाह ने कायनात बनाई सारे ऐशो आराम के रास्ते सजाए लेकिन उसने अपना हक नहीं माना जब एक हिजरी आई तो उसने अपनी नमाज को वाजिब करार दिया ए मेरे परवरदिगार आदम से पहले ये सारी कायनात खल्की तब वो मेरा फर्ज था अब मेरा हक है तो जब किसी में आपस में अनबन हो जाए लड़ाई झगड़े हो जाए कि वो हमारे हक अदा हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं तो पहले थोड़ी देर हम सोचें कि हमारे ऊपर जो फर्ज है वो हमने अदा किया या नहीं चले खामोशी में बात चल रही है तो बड़ी अच्छी बात है कि हाँ बात जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी आखिर इंसान परवरदिगार का शुक्र क्यों नहीं करता
एक वो अपना हक समझता है, दूसरा यह है नेमतों में दवाम। अब आपकी मर्जी है, बोलिए ना मैंने। अरे ये हमारे यहां तो चलता आ रहा है, हमारे पास तो है ही है, घुटने तो हमारे है ही है, आंखें तो हमारे पास है ही है। जो नेमतें मुसलसल है उस पर इंसान शुक्र नहीं करता। अब मेरे पास वक्त नहीं है मेरे अजीजों, मैं तशरीह कर लूं क्यों? आप घबराए हुए हैं या थके हुए हैं? देखिए मसला बिल्कुल साफ है, जब हमेशा मुसलसल नेमत मिलती रहती है तो इंसान उसकी कदरदानी नहीं करता। भाई आंख से अब दिखता नहीं है, चलो टेस्ट कराओ, चश्मा लगाओ, तब इस नेमत की कदर होती है। घुटने, हाथ पांव, औलाद, नेमत, ये सारी नेमतें उस वक्त जब मुसलसल मिले तो शुक्र का मिजाज नहीं। जब कहीं इम्तिहानन थोड़ी देर रोक ले, तवज्जो करिएगा, तो इंसान भाई मौलाना दुआ बताइए, तस्बीह बताइए, अमाल बताइए, ये क्या परेशानी आ गई, ये दुश्वारी, जबकि अल्लाह कहता है कि उसने बीमारी को बाद में पैदा किया है, इलाज पहले हल किया है। जिसने हादी पहले बनाए हैं, मोहताज हिदायत बाद में भेजा है। कितना करीम है, बातों में बातें निकलती जाएंगी, दूसरी तरफ हो जाएंगी। फिर उसके बाद ऐलान फरमाया, एक तो अपना हक समझता है इसलिए शुक्र नहीं करता, दूसरे नेमतों में तमाम हमेशगी महसूस करता है इसलिए शुक्र नहीं करता, तीसरा वो मुनामे हकीकी को पहचानता नहीं। भाई एक साल के बाद आने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बदल गए आप, माशाल्लाह आप बोलते थे। हाँ अल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद, और मैं सच बोल रहा हूं कि बोलते रहेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी। हाँ तो मेरे अजीजों मैं गुजारिश कर रहा हूं, जिसने नेमत दी है, पूरे असले को मैं 5 मिनट में बयान कर दे रहा हूं आपके ऊपर बड़ा भरोसा करते हुए, कि जिसने सारी नेमतें दी उसकी कदर जानी, उसकी मार्फत नहीं है। दुनिया में एक छोटी सी शील्ड तो दे दे, कोई रोज दे दे उठा के, तो हर मोड़ पे उसे सूट मारते हैं कि उसने शाल पहनाई हमें। अरे कितनी नेमतें उसने बगैर मांगे दी है, नहीं तवज्जो करिएगा, उस नेमत देने वाले की मार्फत नहीं है। दूसरी है, चौथी चीज है कि इंसान शुक्र क्यों नहीं करता, मैं जल्दी जल्दी, कि इंसान अपने से बड़ों को देखने में लगा रहता है। अब भी नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं महसूस होगा, इंसान हमेशा अपने से बड़ों को देखता, उनके पास गाड़ी, उनके पास बंगला, उनको अल्लाह ने सब दिया, कितनी बुराइयां, कितने गुनाह, कितनी कोताहियां, फिर भी अल्लाह ने सब उन्हीं को दिया। तो जब बड़ों को देखोगे तो मायूसी पैदा होगी, जब अपने से छोटों को देखोगे तो शुक्र का मिजाज पैदा होगा। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, कभी आपने सोचा कि अल्लाह, चौथे इमाम का जुमला है, आवाज देते हैं, अगर अल्लाह ने 10-20 से तुम्हें कमतर बनाया है तो 150 से बेहतर भी तो बनाया है। और हम ये सोचते हैं कि हम मुस्तहक हैं। देखो दुनिया में कभी किसी को देने के लिए चप्पल न घिसाया करिए, बड़े बड़े ऑफिस खुले हुए हैं ना, दूसरों के पैसे आते हैं, जेब हमारी होती है, पैसा दूसरों का होता है, फिर भी देखें देने में माशाल्लाह उसे रगड़ लेते हैं। इमाम कहते हैं अगर अल्लाह भी ऐसे करने लगे कि तुम कितने मुस्तहक हो। नहीं ये आपके बोलने की बात ही नहीं है मेरे अजीजों, कितने मुस्तहक नहीं हो तो हम खुदा की कसम न चलने के मुस्तहक हैं, न लुकमा गले से उतारने के मुस्तहक हैं। अल्लाह हमें वो भी देता है जिसके हम इस्तेहक रखते हैं, मुस्तहक है, और जो नेमत अल्लाह देता है जिसके हम मुस्तहक नहीं। तो नेमत जिसे अल्लाह ने बड़ों बड़ों को देखा है उसे ना देखो, अपने से कम दर को देखो। अगर कोई फकीर रास्ते में मिले, अलविदाई मजलिस से थोड़ा सा अपने आप को खंगालेंगे ना, थोड़ा अपने आप को बाजू हिलाएंगे ना, इस्माइल फहम, हमने 2 महीने में क्या सीखा है, क्या पाया है, ऐसे ही नहीं ये कारखाना बना है। कैसे बोला है मेरे अभी,
ऐसे ही नहीं है, कारखाना अल्लाह ने बनाया है, सजाया है। रात एक बात हुई थी चलते चलते कि किसी ने एक सवाल किया था कि पहली मजलिस जो जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने क्या बांटा, सुन लिया मैंने। तो रात मैंने उसे तफसील के साथ कहा था, लेकिन एक बात यह है कि उसमें तबर्रुक क्या है। हमारी मजलिस में जो पोस्टर छपते हैं तो वो यही होते हैं ना, पढ़ने वाला कौन है, किसके घर मजलिस है, और माशाल्लाह उसके बाद न्याज क्या है। ऐसे बैठे जैसे सियोम और चालीसवें में बैठे, चेहरा मुरझाया हुआ है, चलता फिरता जन्नती की अलामत है कि वजहुम मुमबसतुन, जिसका चेहरा मुस्कुराता हो उसे मरने के बाद जन्नत का इंतजार नहीं होगा, वो चलता फिरता जन्नती होगा। वजहुम मुमबसतुन, बाखलाक बनो, तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। तो पहली न्याज क्या बांटी गई, हमारा सारा कंपटीशन न्याज में होता है, इतना मजमा आया और ये न्याज बांट दिया और वो बांट दिया, जहां तुमने फख्र किया वो सब गया। कभी बात होगी मेरे अजीजों, भाई गरीबों को भी मजलिस करने दो, उनकी तौहीन ना हो। उन्होंने कहा कि पहली न्याज क्या बाकी है जनाब ज़ैनब और चौथे इमाम ने, तो कहा कि पहली न्याज शहजादी ने मजलिस बाकी है, न्याज खाओगे खत्म हो जाएगी, मजलिसें बढ़ती जाएंगी, लॉकडाउन होगा, इमाम बारगाह बनाओगे तो हुसैन घर घर मजलिसें करते जाएंगे। एक इमाम बारगाह बंद करोगे घर घर पे, ऑनलाइन मजलिसें मैंने देखा है कि एक अकेला आदमी है मुसल्ले पे बैठा है मजलिस सुन रहा है। एक घर बंद होते हैं कितने घर हुसैन खोल देते हैं। जज़ाकअल्लाह आबादो शाद रही मेरे अजीजों। तो एक तो ये है कि अपने से बड़ों को देखते हैं तो शुक्र का मिजाज, तवज्जो करिएगा। पांचवी चीज, इंसान की जिंदगी में शुक्र क्यों नहीं पैदा होता, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप बोल लीजिए, जानदार लोग बोलेंगे तो बेजान चीजें नहीं बोलेंगे। हाँ बोलने दीजिए, एक मिलजुल के एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। पांचवी चीज है कि इंसान शुक्र क्यों नहीं करता। देखिए सीधी सीधी बात, मैं दो चार मौजूदात पढ़ता, वाकया पढ़ता, मजलिस हो जाती, वाह वाह करते, लेकिन ये पूरे हिसाब किताब के दिन है। अब उठाओ डायरी कि हमने दो महीने में क्या कमाया है, कितना अपने आप को बदला है। जहां अली का नाम एक पत्थर अपने आप को सोना बना दे, दिन रात नामे हुसैन नामे अली के इतना हमने सुना है, हमारी जबान बदली, हमारी फिक्र बदली, हमारा ख्याल बदला, हमारा रहन सहन बदला, हमारे आपस के ताल्लुकात बदले। हो सकता नईपन हो, आपकी नई मजलिस हो, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन मेरा हक है कि मैं इसे बोलूं। तो पांचवी चीज है, बगैर मेहनत के जो नेहमत मिलती है उसका शुक्र नहीं होता। ठीक है, क्या भाई ये ट्यूशन क्लास जो हमने खोली है फ्री में खोली है, ट्यूशन क्लास जो खोली है इतनी फीस लगी है, मदरसा फ्री है तो मदरसे में आएंगे नहीं, ट्यूशन में टेंशन ये होता है गए थे कि नहीं, टाइम पे गए थे या नहीं, टाइम पे आए या नहीं, क्या दिया है, क्या होमवर्क दिया है, क्यों, इसलिए कि वहां पैसा देना होता है। मैं कोई नई दुनिया से नहीं आया हूं, हाँ, और जहां फ्री का मसला होता है वहां एहसास नहीं होता। अल्लाह आवाज देता है मेरे बंदो, बगैर मेहनत के जो नेमत मिलती है उसका शुक्र नहीं होता, इसलिए हमें फर्श अदा की कदर नहीं है, इसलिए कि बगैर मेहनत के हमने पाई है। उनसे पूछो जिन्होंने बाजू कटवाए, उनसे पूछो जिन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने घर बार को बेचा है, जिन्होंने बस्तियों को तबाह किया है कि हुसैन का घर आबाद रहे, इसलिए कि नेहमत बगैर मेहनत की मिली है। तो इस फर्श पे आओगे सोएगे ही ना, जब तुम्हें कदर नहीं होगी कि कितनी जहमतें, कितनी मशक्कतें, कितनी मुसीबतों से ये फर्श बकी है और बाकी है और बचा हुआ है, तो इंसान आज गया फर्श पे सोएगा।
लेकिन जिसने सोचा है कि कितनी सहमतों और तकलीफों के साथ, तवज्जो करिएगा, तो कदरदानी करो। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि मेरे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो जुमला पहचान ले, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे अजीजो, हमारे 11वें इमाम ने फरमाया कि कोई इंसान नेमत का शुक्र कर ही नहीं सकता जब तक मारिफत न हो। हम ये सोचते क्या दिया है अल्लाह ने, एक रोटी, इसलिए कि रोटी को हम जानते नहीं कि खालिक और मखलूक सबकी मेहनतों का नतीजा एक रोटी है। नहीं तवज्जो कर पाए। तमाम मखलूक, जमीन आसमान हवा हाथ पानी पहाड़ लोहे सब मिलकर मखलूक, फिर खालिक उसमें जान देकर एक लुकमा रोटी बनती है। जो नहीं जानते उसकी मार्फत नहीं होती, उसकी शुक्र नहीं करते। 12 प्रोसीजर से होकर एक रोटी हमारे मुंह तक पहुंचती है। अरे नहीं तवज्जो किया, 12 मंजिलों से गुजर के एक रोटी। और अगर रोटी हमारे गले से न उतरे तो अल्लाह भी कहेगा आज तुमने सुबह की नहीं पढ़ी थी, आज वो आंख खुलेगी नहीं, आज जो बेटी लेते हो ना आज गले से जाएगी नहीं। अरे मेरे अजीजों, चलिए मैं आगे बात बढ़ा दूं। तो मसला यह है कि इंसान के पास बगैर मेहनत और मशक्कत के जो चीज आती है, 12 मंजिलों से गुजरकर एक लुकमा रोटी मेरे मुंह तक आती है। जो अल्लाह जिस्म की गजा बगैर 12 के न रखे, तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, रूह की गजा बगैर 12 के नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, कभी नेमत की कदर करो। अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रूही हदीस में नकल फिदा ऐलान फरमाते हैं। मैं आगे अपनी मंजिल पे, इमाम कहते हैं 4 ऐसी नेमत है जिसका इंसान सुबह में शुक्र ना करे वो नेमत बदल जाती है। क्या भाई, नमक कम खा रहे, क्यों? ब्लड प्रेशर हो गया, जबकि नेमत थी। शुगर नहीं डालना चाय में, बाकी हर जगह पे शुगर चलेगी, चाय में ना डालो बस। हमने सोच लिया कि नई दुनिया से मैं आया हूं। हाँ तो भाई, बहुत सी नेमतें हैं जिससे हम महरूम हो गए, महरूम खुदा ने किया। अरे मेरे जी, तो महरूम हमने खुद अपने हाथ को किया। नहीं मेरे अजीजों, अब अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मेरे अजीजों सुना हुआ मजमा है और जान पहचान के लोग भी हैं, बड़ी जल्दी आसानी के साथ बात उतर सकती है। मेरे लिए अब भी है कि मैं नुकात और मोजज़ात पढ़े और बात हो जाए, लेकिन बड़े शौक और जौक के साथ आप समाप्त फरमा रहे हैं तो यहां तक बात दोहरा के मैं अपनी मंजिल पे आ जाऊं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जब तक सुबह इंसान इन नेमतों का शुक्र नहीं करेगा उसकी नेमतें बदल जाएंगी। पहले उठते साथ अपने दोनों हाथों को उठाओ, कलमा पढ़ो, सूरह कुलना पढ़ो और अपने चेहरे पे उसे दुनिया पंजे को चूमने से कहां तक रोक सकती है। अरे नहीं तवज्जो करिए मेरे अजीजों, है पंजा, इसीलिए कहते हैं ना, आलम में पंजा क्यों लगता है? अब तो बोलेंगे मेरे अजीजों, आलम में पंजा क्यों लगता है? इसलिए कि खैबर में पैगंबर ने 5 सिफतें बताई थी। कल मैं आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, खुदा रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, वो खुदा रसूल को दोस्त रखता होगा। ये 5 सिफतों का नाम है पंजा। अब बात आ गई तो सुन लो मेरे अजीजों, 5 अलामतों का नाम। हां, 39 दिन तक जो आलम ले जा चुके वो भी इस पंजे की ख्वाहिश में रहे, क्या मुझे आलम नहीं चाहिए? आलम के साथ जो पैगंबर ने सिफतें लगाई है, आज अगर पैगंबर ने आलम दे दिया तो मर्द होने की सनद मिल जाएगी। अरे मेरे अजीजों, अब भी गर्मी महसूस हो रही है? खुदा रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, खुदा रसूल
अलम न मिलना इस बात की अलामत है, न ये खुदा को दो सकते हैं न खुदा इन्हें। क्या बात है, फतह खैबर के लिए, फतह खैबर के लिए शर्त रजुल लाजिम है। फतह खैबर के लिए शर्त रजुल लाजिम है, अब काम मुश्किल का नहीं है। हाँ मगर नर के लिए तो मेरे अभी बहुत जल्दी जल्दी फिर कभी मौका हो इसकी तशरीह होगी तो सूर के साथ एक नेमत का शुक्र अदा करो वरना बदलेगी। पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अरफ़नी बिमारफ़ते, ए अल्लाह तूने अपनी मारफत की हमें तौफीक दी, वरना बिस्तर पे लौटते रहते उठते नहीं। हया अलग सलाह हुआ तो ये खुदा की मार्फत ही तो है जो तुम्हें बेदार कर रही है। नहीं तवज्जो नहीं कर पाए मेरे अजीजों, तो याद रखिएगा सबसे पहला शुक्र मेरे परवरदिगार तूने मुझे वो तौफीक दी कि मैं तेरी मार्फत हासिल करूं। चलो ये भी खत्म कर दिया। दूसरी चीज, इंसान हर हालत में अगर शुक्र नहीं करेगा तो उसकी नेमत छीन जाएगी। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं दूसरी नेमत यह है कि खुदा से कहो कि मेरे परवरदिगार तेरा एहसान है, तेरी हमद है कि तूने मुझे मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती पैदा किया है। हुजूर का उम्मती हमें करार दिया है और हुजूर के उम्मती की 10 खसूसियत है। अल्लाह ने बहुत बड़ा रुतबा दिया है, तवज्जो करिएगा। देखिए हुजूर जितना हम मानते हैं कोई नहीं मानता, लोग जो है वो जात तक पहुंचे हैं बात तक नहीं पहुंचे हैं। तवज्जो करिएगा, हुजूर की हम जात को भी मानते हैं बात को भी मानते हैं। तवज्जो करिएगा, खुले हम बात चल रही है लिहाजा पैगाम जाना चाहिए। हमने जो आजादारी की है ये जुलूस मातम सब हुजूर के कहने पे किया है, वरना आप हज में चले जाइए ये सारी अदादारी हज में जाहिर होती है। हर आदमी अपना झंडा उठाए हुए अपने गुरु को लिए हुए लब्बैक लब्बैक कहता हुआ चला गया, कहा यही अभी लब्बैक लब्बैक की बात है, जिसने इस लब्बैक को बचाया उसके नाम पे हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन कहते हुए। तो हमने जो कुछ भी सीखा है वो अदादारी सैयद शोहदा से सीखा है। तो इस पर फिर कभी बात होगी कि उम्मत पैगंबर की खसूसियत क्या है, इसका शुक्र होना चाहिए। तीसरी चीज है जिसके आप तवज्जो करेंगे कि तीसरी नेमत पैगंबर इस्लाम की रवायत अमीरुल मोमिनीन की जुबान से, पहली एक नेमत का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तुमने अपनी मार्फत कराई, वरना कहीं भी हाथ जोड़ के खड़े होते। अरे मेरे अजीजों में क्या करूं, हमारे यहां हाथ जोड़ना हाथ बांधना नहीं आता। आजाद है जिस तरह मरते हुए कफन में जाते हैं उसी तरह खुदा के सामने खड़े होते। अरे तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, बहुत सी बातें हैं जो तो खास तरीके से तीसरी नेमत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि उठते साथ शुक्र करो कि अल्लाह तूने हमारा रिस्क बंदों के हवाले नहीं किया है, वरना लोग भूखे मर जाते हैं। जिसके फेवर में होते उसे सारी कायनात दे देते, जिससे नाराज होते उसे पूरी दुनिया छीन लेते। तो शुक्र का मेदार होना चाहिए या नहीं कि परवरदिगार रिस्क इलाही तूने अपने हाथ में रखा है बंदों के हवाले। अब रहा मसला कि हम समझते हैं रिस्क सिर्फ रोटी का नाम है, रिस्क तेरा तरीके का है। अब आप खामोश रहे तो मैं क्या करूं, रिस्क तेरा तरीके का है। सबसे पहले रिस्क के आखिर आप कहेंगे कौन सी नेमत, कुछ नेमतें छुपी हैं कुछ नेमतें जाहिर हैं। जो नेमत छुपी है उसका नाम है आखिर, इसीलिए अल्लाह ने सबसे अपनी इबादत नहीं मांगी। पीछे तक आवाज जा रही है नहीं मेरा दिल, अब ये
कहेंगे मैं तो रोजा रखता ही नहीं, मैं तो नमाज पढ़ता ही नहीं, अल्लाह ने सबसे मांगा भी नहीं है। अरे उसे क्या जरूरत है, तुम्हारी इबादत से वो खुदा बन जाएगा। नहीं बोल पा रहे मेरे अजीजों। कहा उसकी पांच शर्तें हैं इबादत की। पहली शर्त है आखिर, इसलिए पागलों से अल्लाह ने इबादत नहीं मांगी है। जो थके हुए हैं मेरे अजीजों, मुझे नहीं मालूम है, जो पागल होते हैं दीवाने होते हैं, कहा उनके ऊपर कोई फर्ज। हम जिस फहरिस्त में इंसान अपने आप को डाल ले, अरे मेरे अजीजों, मैं जो ये सलाम कर रहे मोहम्मद वाला, मुझे एक उंगली दिखाई जा रही है, हाँ तवज्जो करिएगा। तो अजीब मसला है, अल्लाह ने पागलों से कोई भी इबादत किसी तरह भी, ठीक है नमाज रोजा छोड़ दो, दुनिया में जो काम कसद कुर्बत होते हैं वो इबादत होती है। मां की तरफ मोहब्बत से निगाह कर लेना हज और उम्रे के बराबर है। अल्लाह ने जो नबियों से काम लिया है वही माओ से काम लिया है। कभी देखें मां बाप की खिदमत, ये फर्श अदा पे आपको किसने पहुंचाया है? अब भैया ऐसे सुनेंगे तो अब फर्श अदा पे किसने पहुंचाया? मां ने पहुंचाया। जो सिफत नबियों की वही मां की। मैं किसी मकसद के लिए कह रहा हूं मेरा दीदो, अल्लाह ने नबियों को तजक्कुर तज़किया किताब हिकमत की तालीम देने के लिए भेजा, लेकिन नबियों की सिफत में रखा है कि वो मासूम हो ताकि तरबियत दे सकें। इसीलिए माओ को विलादत से पहले उनकी गोद को पाक कर देता है। कभी मां के सब्जेक्ट पे बात हुई हो तो इंशाल्लाह बात होगी। मैं इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूं कि रिस्क तेरा तरीके, रिस्क के आकल, रिस्क के सेहत, रिस्क के बरकत, रिस्क के इल्म, रिस्क के ज़ियारत, रिस्क के शफात, ये सब रिस्क है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ातल हुसैन, ये भी तो रिस्क है। जब कोई सहारा न मिले तो हुसैन अपनी मोहब्बत का रिस्क हमें करबला में, हमें कब्रों में, हमें महशर में। रिस रोटी ना मांगा करो, ये अल्लाह तो कहता मैं दूंगा। चार चीजें अल्लाह बगैर मांगे देता है, काला गोरा लंगड़ा लूला कोई भी हो अल्लाह उसे देता है चार चीजें, उसमें से एक रिस्क है। अब आप थके हुए सुन रहे हैं तो लिहाजा मुझे बात वादे हैं, रिस्क के लिए इतनी तकवद्दो इतनी कोशिश ना करिए। रिस्क को मेहनत इसलिए करो ताकि उसमें हलाल हो जाए, बरकत पैदा हो जाए। रिस्क मांगो उसमें बरकत मांगो। रिस्क देने का वादा परवरदिगार ने किया है। एक बादशाह है, मुर्ग मुसल्लम सजाए हुए, थोड़ा खाने पीने की बातें हो तसल्ली हो जाती है, आंखें भी माशाल्लाह खुल जाएंगी, इसलिए कि सोता हुआ इंसान कोई नहीं खाता, जो भी चाय भी पीता है तो आंखें खोलता है। तो ये रिस्क है, फर्श जो है रिस्क है। यहां आओगे तो जाग के मिलेगा, सो के नहीं मिलेगा। वो एक ही हस्ती थी जो सो के सब ले गई। अरे क्या है मेरे अजीजों, मर्जी परवरदिगार ले गई सो के, अब हमें जो कुछ मिलेगा वो जाग के मिलेगा, वरना कोई दूसरा बाजू पकड़ेगा। इस्मा इफ़हम मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद। तो ये बातें बढ़ती जा रही है। रिस्क को अल्लाह ने अपने हाथ में लिया है। वो मुर्गा मुसल्लम खा रहा था और बैठा हुआ, एक परिंदा आया और मुर्गा उसका लेके चला, और बादशाह ने कहा इसका पीछा करो।
जो पीछा किया गया वो पहाड़ पे गया और वो सब पीछे बंदूक लेके गए तो देखा है वो परिंदा पहाड़ की चोटी पे ये लोग चढ़े, देखा एक परिंदा है जो एक आदमी का हाथ पांव बंधा हुआ है वो मुर्ग तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डाल रहा है। ये हमारा निजाम नहीं है, खुदा का निजाम है। जब उसके पास गए उसका हाथ पांव खोदा, क्या बात है, कहा कि मैं इधर जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया, माल सब लूट लिया, हमें रस्सियों में बांध दिया, ये 3 दिन से परिंदा आ रहा है रोजाना अपनी चोंच से हमें खिला रहा है और पानी ला के हमें पिला रहा है। अल्लाह ने वादा किया रिस्क वो देगा, तो वाजिबात छोड़ के रिस्क तलाश ना करो। मैंने बात कही कह दिया, देखिए ये रिस्क बरकत चाहिए। अच्छा चलिए ये भी बात खत्म हो गई, रिस्क को अल्लाह ने अब 13 तरीके का रिस्क है, रिस्क के एतात सबसे बड़ी चीज है। फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया कि अगर चौथी नेमत का शुक्र नहीं किया तो ये नेमत बदल जाएगी। चौथी नेमत क्या है? अल्लाह तूने मुझे इज्जतदार बनाया और कितने गुनाहों को तूने छुपा के रखा है। घर में जाते हैं तो बिल्कुल सीना तान के इज्जतदार बने हुए, अगर एक राज अल्लाह खोल दे तो कोई सलाम करने के लायक नहीं समझेगा। अरे मेरे दिल मैं कहां हूं, ये कौन बताएगा? ये सारी नेमतें मैं गिनवा इसलिए रहा हूं कि तुम्हें एहसास नहीं है इसलिए कि नेमत बगैर मेहनत के मिली है। ये सारी नेमतों की बका का जरिया है हुसैन इब्न अली, ये फर्शे अदा की वजह से ये सारी नेमत है। हयात मिन्नत जिल्ला, हुसैन ने आवाज बुलंद की थी कि जिल्लत हमसे दूर है, तो हुसैन से तो जिल्लत दूर है ही है। अल्लाह ने पहले ही से कहा था रिस्क नजासत अहले बाएं से दूर है, हुसैन ने ये नहीं कहा। अभी जुलूस में ये नारे लगाए जाते हैं हयात मिन्नत जिल्ला, हुसैन ने ये नहीं कहा हयात मिन्नत जिल्ला, जिल्लत मुझसे दूर है। हुसैन ने कहा जिल्लत हमसे दूर है, जो हमारा होगा वो जिल्लत से दूर होगा। अरे मेरे अजीजो, हम फर्श पर आते ही इसीलिए ताकि हुसैनी बन जाए, और जब हुसैनी बन जाएंगे तो जिल्लत से दूर होंगे। हुसैन हमारे लिए कह रहे हैं कि जो हमारा होगा वो जिल्लत से दूर। जिल्लत क्या है मौला हुसैन का? किसी का हक मार देना। चार आदमी चले ग्रुप में बना के, चार आदमी सलूट मारे, ये इज्जत नहीं है। इज्जत कारखाने खुदा, खुदा के खजाने की एक अजीम तरीन नेमत है। वतुअज्ज मन तशा वतुज़िल्ल मन तशा, जिसे चाहे वो इज्जत देता है, जिसे चाहे रुस्वा दे देता है। मेरा नीदो, इज्जत खुदा के कारखाने में है। बस सफेद कपड़ा पहन लिया, सफेद जूती पहन लिया, और उसके बाद सफेद ऊपर ऊपर सफेद, अंदर अंदर कितना काला। नहीं, लोग बाहर कब्रों के ऊपर जो है वो दरख्त और लगाते हैं, भाई कब्रों में फैन लगवाओ, एसी लगवाओ, ये कहां लगेगी? ये हुसैन के जिक्र से लगेंगे। इंतजाम खबर की करो। मेरे जी को बहुत सी बातें हैं, मैं ये सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इतने दिन बाकी हैं मुहर्रम फिर आने में, किस्मत वालों को फिर मिलेगी। इतने दिन में हम तलाश करें कि जिल्लत क्या क्या है और इज्जत क्या है। इज्जत मालो दौलत में नहीं है, वरना जनाब फिजा अपने तख्त पे जूती रख के न चलती चारों बेटों को कहते हुए, बेटों की ने कहा कहां जा रही है, का इज्जत लेने, का गुलाम भेजे, कनीज दे, का नहीं रात में सफर करूंगी दिन में आराम करूंगी और मैं जा रही इज्जत लेने। जब मदीना पहुंची है तो पैगंबर ने सर पे हाथ रखा, आवाज या बेटी खैरियत है? जनाब फिजा ने सजदा शुक्र अदा किया, आवाज या रसूल जैसा नबी जिसे बेटी कह के बुला दे, हसनैन जिन्हें मां कह के बुला दे, इससे बड़ी इज्जत है कायनात में। जो इस फर्ज से वाबस्ता हो गया वो इज्जतदार होता गया। कभी कभी वाका जितने भी सही मरीज हो जाओ, फर्शे अदा से अपने आप को टच मस कर लिया करो, कोशिश करो कि फर्श में आके
پھر فخر کرنا کہ ہم تو کس معصوم کے پہلو میں بیٹھ کے آئے. میرے عزیزوں یہ عظیم ترین نعمت ہے فرش ادائے حسین. یہ نعمت کی وجہ سے ساری نعمتیں باقی ہیں. اچھا سب بات تمام کر دیا میں نے عزیزوں, میں نے بات چھیڑی تھی لیکن ابھی ابتدا کیا ہے کہ نعمت ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے. اور سب کچھ اللہ نے کہا حرم کرو, ہم تمہیں دکھائیں گے جو ظاہری نعمت باطنی نعمت. میرے پروردگار کتنی نعمت چھپی ہوئی ہے, ایمان دکھتا نہیں, محبت دکھتی نہیں, آخر دکھتی نہیں, یہ سب کہیں دکھتی نہیں, شفاعت دکھتی نہیں. کہاں ہم نے کہا دیکھو تو دیکھو, کہاں دکھے گا؟ کہا اس کے پاس جاؤ جس نے پہلے اختیار آسمان پہ دکھایا پھر زمین پہ دکھایا. علم کرو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات, جس نے آسمان پہ اپنا اختیار دکھایا. پھر اس نے کہا جبریل کیا قیامت آ گئی؟ کہنے قیامت کا مالک آ گیا. توجہ کریے گا, پہلا اختیار حسین نے آسمان پہ دکھایا اور آئے زمین پہ تو اپنا اختیار ساری کائنات اور قیامت تک کے لوگوں کو دکھا کے چلے گئے کہ حسین جو کائنات کے لیے عظیم ترین دولت ہے, نعمت الہی ہے, اور ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے کل نعمتیں باقی ہیں. اب دیکھیں دنیا میں آپ کون کریں گے کیا نعمت کیا نعمت کیا نعمت, تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا ہم تمہیں دکھلائیں گے. کہاں دکھلائے گا میرے پروردگار؟ کہ ایک مرتبہ کربلا آ جاؤ. ساری دنیا جو بھاگی جا رہی ہے ننگے پائے, چھالے پڑے تو پڑے, گرمی ہو تو گرمی ہو, پریشانی ہو تو ہو, بھوک لگے تو لگے, تمہیں ہم نعمت دکھائیں گے. اور منا میں حقیقی نعمت معرفت حسین دکھاتا ہے. جس کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہو جائے, میرے دلوں مانا کرو, فقیری کے ساتھ مانگا کرو کہ میرے پروردگار حسین ابن علی کی محبت دے دے. روایت میں ہے ہمارے گیارہویں امام فرماتے ہیں تزاورو تحابو, زیارت کرو محبت پیدا کرو. یہ فرش نہیں ہے, جب مجلس ہوتی ہے تو وہ جگہ قبہ امام حسین ہوتی ہے اور قبہ امام حسین میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے, حرم الہی ہوتا ہے. یہ اس وقت جنت ہے, آپ جنت میں بیٹھے ہیں. بس تین کام ہم نہ کریں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ہمارا ایک موضوع چلا تھا کہ مرنے کے بعد جنت نہیں. کتنے لوگ بیچارے دروازے پہ کھڑے ہیں, دروازے پہ کبھی روکا نہ کرو. دروازے پہ جو آ جائیں انہیں ویلکم کیا کرو. تھوڑے سے آپ سمٹ جائیں گے تو جو بیچارے دروازے پہ کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اس لیے کہ حسین کے ہاں آئے ہیں, حسین کے دروازے کا نام ہے عباس. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں تاکہ بات میں مکمل کر دوں. میرے عزیزوں محمد وآل, تھوڑا سا ٹائم ہمیں انور بھائی کا بھی مل گیا جو ہماری تقریر سے پہلے تقریر کرتے تھے اور شکریہ ادا کرتے تھے. دعا کرو کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. یقیناً جلوس اور مجالس کی رونق ہیں, اللہ انہیں جلد از جلد صحت دے دے. علیہ محترم جس نے بھی نام حسین پہ جو بھی خرچ کیا جیسا بھی خرچ کیا اللہ اسے باقی رکھتا ہے, ایک قطرہ آنسو بھی چاہے ایک آواز بھی ایک سانس بھی. تو اس وقت آپ جنت میں بیٹھے ہیں, صرف تین کام نہ کریں بزرگ حضرات,
متوجہ ہیں میں اپنے جوانوں کے لیے، جناب آدم جنت میں تھے اور اللہ نے جنت سے نہ بولیے تب بھی ہم بولیں گے، جنت سے زمین پہ اتار دیا، جہاں تھے وہاں جنت، جہاں آئے وہ جگہ جنت۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ جناب آدم کو جنت سے نکالا کیوں گیا؟ صرف تین کی وجہ سے۔ تین ہر جگہ مصیبت ہے، جہاں آپ پہنچے وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بس اتنی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو حسد کی وجہ سے شیطان نے حسد کیا، پھر شیطان نے تکبر کیا، اور حوا نے لالچ دکھایا۔ یہ تین چیزیں جنت سے لے کے چلی آئی۔ اب اگر ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا ہے تو تین چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، نہ ہمارے اندر تکبر غرور گھمنڈ آئے، نہ حسد نہ جلسی آئے، نہ لالچ نہ تما آئے۔ یہ سمجھنے والی اور سننے والی مجلس نہیں ہے، اتنی جملہ آپ نکالیے، لیکن سارا محصل ہمیشہ جنت میں رہنا ہے تو یہ تین چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، حسد جلسی۔ اس لیے کہ آل محمد نے کسی سے حسد نہیں کیا، ساری دنیا نے ان سے حسد کیا۔ حسد انسان اپنے سے بڑوں سے کرتا ہے، اپنے سے کمتر سے نہیں کرتا۔ روڈ پہ ایک فقیر مل گیا، کاش ہم بھی ایسے ہوتے، کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تین گندگیوں کو نکال دو، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو یہ ساری نعمتیں، آخری جملہ، جو ابھی آئے ہیں فرش پہ نئے نئے، کچھ لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دروازے پہ آنے کا مطلب ہے دروازہ کیا ہے؟ باب الحسین، حسین کا دروازہ ہے عباس، کبھی سائل بنا کے اپنے دروازوں پہ نہیں کھڑا کرتے ہیں عباس، آپ باب العلم ہے اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ بس چلیے، پہلے ایک دکھایا پنجتن، کہے پنجتن کے بارے میں پڑھو۔ ہم میں ایسے ہی سوچتا ہوں، دیکھیے الگ سوچ کے ہیں کہ ہمیں کو بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ پنجتن کے بارے میں پڑھو۔ تو نعمت جو ظاہر ہے وہ بھی نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں گھٹنے نگاہیں سب ختم ہو جائیں گی، اور نعمتیں جو ظاہر باطن ہیں، ساری نعمتوں کو اللہ نے جنت میں جمع کر دیا۔ توجہ کریے گا، جنت میں جمع کر دیا۔ مولوی کا کام ہوتا ہے، نیاز جلدی پک گئی تو بھائی 10 منٹ میں مجلس ختم کر دینا، نیاز ابھی تیار نہیں تو پرچی آتی جاتی، ابھی گوشت گلا نہیں مجلس آگے بڑھاتے جاؤ۔ تو مولوی کا کام پپیتے کا ہوتا ہے، گوشت گلانے کا۔ اب آپ ایسے اشارہ کریں گے تو بھی ہم پڑھنے پڑیں گے، 5 منٹ کہیں گے تب بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا، بس بات آپ کے چہرے مسکرائے، ارشاد برشاد ہو گئے، خدا اسی طرح سلامت آباد و شاد رکھے، خوشیاں نصیب ہوں۔ خوشیاں بھی آل محمد کی نگاہ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے عزیزو، ساری نعمت کو اللہ نے جنت میں جمع کر دیا، اور ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی جنت۔ ارے کیا ہوا بھائی، جنت ختم نہیں ہوگی تو بتا دیجیے، نہیں ہوگی۔ جنت کسے لے گا کا پہلی شرط مومن، مومن کون ہوگا کا جو عمل صالح کرتا ہوگا۔ ایک اشرے کو 2 منٹ میں، میرے علی کو جنت دے گا، کہاں دیں گے، کسے؟ مومن کو۔ مومن کون ہوگا کا عمل صالح کرنے والا، عمل صالح کرنے والا کون ہوگا جو ہدایت پہ چلے، اور ہدایت پہ کون چلے گا جو ہادی کے پیچھے چلے، اور ہادی کون ہوگا جو کہا وہاں سے آئے۔ ہر ہادی کے پیچھے نہ چلا کرو، دیکھا کرو کہ وہاں سے آیا یا نہیں۔ جو وہاں سے آتا ہے اس کی ایک نشانی ہے، جو وہاں سے آتا ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا، جو غلطیاں کر دے وہ وہاں والا نہیں ہے، یہاں والا ہے۔ میں نے کہہ دیا میرے عزیزو، دیکھیں جو غلطیاں کر دے اس کے نقش قدم پہ جنت دوں گا مومن کو۔ مومن کون ہوگا؟ عمل صالح کرنے والا۔ عمل صالح کرنے والا کون ہوگا؟ جو ہدایت پر عمل کرے گا۔ ہدایت پر عمل کون کرے گا؟ جو ہادی کے پیچھے چلے، ہادی کے نقش قدم پہ چلے۔ ہادی کہاں سے آئے گا؟ ہمارے یہاں سے آئے گا۔ عجیب مسئلہ ہے میرے عزیزو،
अल्लाह ने बहुत से लोगों को यह मसला समझाने के लिए जानवर का सहारा लिया है। कभी जानवर को कम न जाना करो। आप ऊंट की सवारी लेके आएंगे, घोड़ा लेके आएंगे, ऐसी अगर मारिफत इंसानों में हो जाती तो कोई हुसैन को कत्ल न करता जितनी मारिफत जानवरों में थी। अल्लाह ने अबाबील का सहारा लिया अपने घर के मुकाबले वालों को। मेरे परवरदिगार तेरे पास खुद लश्कर है, तू कुन फयकून का मालिक है, मलाइका है, हवा है, जिब्रील है, एक इशारा कर दे अब्राहम का लश्कर पूरा खत्म हो जाए। और ये जानवर है छोटा सा परिंदा, ये गलती कर दे अब तुम मुतलिक लश्कर पे लाके बमबारी कर रहे, और बाद में कहे सॉरी मेरे पास तो आखिरी नहीं थी। क्या यही तो बतलाने के लिए दुनिया में भेज रहे कि ये आ रहा है मेरी तरफ से, जो मेरी तरफ से आता वो गलतियां नहीं करता, जो गलतियां कर दे वो मेरा नुमाइंदा नहीं होता। लड़ने की जरूरत ही नहीं कि कौन खुदा का नुमाइंदा है, कौन खुदा की तरफ से आया है, कौन खलीफा है, कौन जानशीन है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। देख लो अगर गलतियां पाई जाए तो वो खुदा का नुमाइंदा नहीं है। सीधी सीधी बात। तो मेरा वीरो जन्नत में बैठे हैं आप, अल्लाह ने आवाज दिया तिलकल जन्नतुल्लती, बस दो जुमले हैं मसायब के आप आमादा हो चुके हैं। तिलकल जन्नतुल्लती वो है जन्नत, नूरसो मिनहबाद ही मन काना तकिया। दूसरी बात जो हमारे यहां इख्तलाफ का जरिया होता है वो ये बात होती है, अल्लाह कहता वो है जन्नत, तिलका दूर के लिए बोला जाता, वो है जन्नत। दूंगा किसे? अपने मुत्तकी बंदों को। किसमें देगा? नूरसो विरासत में दूंगा, मिल्कियत में जन्नत नहीं मिलेगी। अब मुझे नहीं मालूम है कि कैसे थके हुए कैसे सुनते हैं मेरा दीदो, जन्नत मिल्कियत में नहीं मिलेगी, विरासत में मिलेगी। एक इख्तलाफ खत्म हो गया, जितने लोग जन्नत के लालच में बैठे हैं उन्हें विरासत मानना पड़ेगा। नहीं, जिनके मजहब में विरासत पाई नहीं जाती, न रसूल वारिस बनाते हैं न बनते हैं, दरबार से सैयदा वापस चली आई यही तो कहते हुए कि हम वारिस न बनते हैं न बनाते हैं। अल्लाह कहता जन्नत दूंगा विरासत में। अरे किस जन्नत की लालच में बैठे हो? जन्नत तो विरासत में मिलेगी, तुम विरासत को मानते ही नहीं। बिल्कुल सीधी सीधी बात, कोई इख्तलाफ कोई लड़ाई कीजिएगा। हम विरासत में जुलूस निकालते हैं, विरासत में हमारी निकालते हैं। मेरा नहीं तो खुदा ने कहा वो है जन्नत, यानी जन्नत है बहुत दूर। सबे आशूर हुसैन इब्न अली ने कहा हाज़ है जन्नत उल्लती युफत्तिहुल अबवाब, ये है जन्नत। खुदा कहता वो जन्नत, हुसैन कहते ये जन्नत। इसका मतलब दो जन्नत है, खुदा की वो हुसैन की है। नहीं, जन्नत थी दूर, हुसैन ने कदमों पे बुला लिया। जज़ाक अल्लाह मेरे अज़ीज़ो। हुसैन इब्न अली के चाहने वालों, कैसे कहें कि इख्तितामी मजलिस है, जो हमारे घरों में रौनकें थी, जो नेमतें आती थी, जो सुकून मिला था, हुसैन आते थे। अदादारों, आज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अमारियां देखिएगा ना तो करबला से 63 बीवियां, 53 ऊंट। अरे मेरे दिल, मैं कहां पढ़ रहा हूं? 53 ऊंट असीरों, बेवाओं, बच्चों को लेके कूफा और शाम गया था, लेकिन वापस में सिर्फ 3 ऊंट। मैंने कहा आपने तवज्जो नहीं किया है, कितनी बीवियां रास्ते में गिरती रही, कितने बच्चे गोद से गिरते रहे, माओ के हाथ बधे, बर्तन बधे हुए थे, कोई उठाने वाला नहीं। नहीं, आज ऐसा लगे कि हुसैन को अलविदा कह रहे हैं। आज अपने आंसुओं अपनी आवाजों से मोहब्बत न करना हुसैन के गुर्बत के ऊपर। मैंने बात तमाम कर दी मेरे अजीजों, जो वक्त मुझे दिया गया था उस पर तमाम। लेकिन हाँ अदादारों, कभी ये सोचा करो
कि आखिर इतने ऊंट, इतनी बीवियां, इतने बच्चे कहां गए। माए अपने बच्चों को संभाल भी नहीं पाती थी। जब यह लूटा हुआ काफिला करबला से मदीने की तरफ पहुंच रहा है, आपने मदीना का नाम सुना ना बड़ी आसानी के साथ, जनाब में कुलसुम रोके कहती है नाना के मदीने मेरे आने को कबूल न करना। एक ही जुमला कहना है मेरा रीजो, मसायब तो होंगे इंशाल्लाह रात में भी कल दिन में भी, लेकिन आंखें नम हो जाएं और उस तरह दीदार करें। जब ये खबर मदीने में पहुंची है जनाब मोहम्मद हनफिया आए हैं, आदादारो सैयद सज्जाद ने चचा कह के सलाम किया, आवाज है जई तो मुझे चचा कह के बुला रहा है। आदादारों मैं कैसे गुजारिश करूं, आवाज है चचा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सैयद सज्जाद, अरे गले लगाए का चचा आरिश था, क्या अपने चचा से नाराज हो, का चचा गला देखिए, अरे पूछ देखिए। रोना ना आए सर को झुका लो, ऐ मेरे अजीजो हाय हुसैन कह देना कोई मुश्किल नहीं है। अदादारो ये लुटा हुआ काफिला मदीने में पहुंचा है, एक जुमला आगे आगे अलम होगा। ये अदादारी अब्बास, मैंने सोचा था आज सिर्फ जनाबे अब्बास के फजाई हो, लेकिन वक्त तमाम हो गया मेरे अजीजो। जनाबे उम्मुल बनीन ने पूछा ये कैसी आवाज है, आवाज बशीर क्या बोल रहा है, का हुसैन मारे गए, का नहीं मानती, का बीबी ऐसा क्यों, का हुसैन के साथ एक मेरा अब्बास था, का अब्बास को लाली बना खत्म कर दिया, का नहीं मानती, का बीबी 3,00,000 3,40,00,000 फौजी अब्बास के मुकाबले में आ गए थे, का फिर भी नहीं मानती, का बीबी क्यों, का पूरी दुनिया आ जाती मेरे अब्बास के सामने, मेरे अब्बास के पास दो बाजू जो थे, दो बाजू जो थे, एक पता बशीर कदमों पे गिरा, आवाज बीबी जालिमों ने इसी ने दो बाजू को कलम कर लिया था। नहीं मेरे अजीजों ये तो हमेशा आपने सुना, जब थके हुए हैं तो मैं, लेकिन आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबरेजी सुनोगे मसाइब जनाब अब्बास पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि अब्बास के बाजू कलम हो गए, काने हक के मसाइब पढ़ दो, कोई बुलंदी से गिरता है तो कैसे गिरता है, सुने हुए बदन पे तीर लगे तो हाथ से कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें वो पढ़ते रहे। एक बता, एक सवार मिंबर के ऊपर आया, आवाज दिया आयतुल्ला तबरेजी सिर्फ यही ना पढ़ो कि मेरे बाजू कलम कर दिए गए, जालिमों ने मेरे दोनों पांव को भी काट दिया, मैं कैसे पढ़ू मेरे वीरों, इम्तिहान सुनो, ये मौला अब्बास कह रहे हैं कि जालिमों ने पहले मेरे पांव को काटा फिर हाथों को काटा, थक गए। अदादारो जनाब उम्मुल बनीन के एक इशारा, आप नौहे में सुनते रहते हैं जो दूर से आवाजें गिरी आवाज़ों, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, हम शुक्रिया अदा करने वाले नहीं है, शुक्रिया तो वो मां अदा करेगी जो दो महीना हर दिन हर घर में रुमाल लिए चली आती थी, मेरे हुसैन के मरहम दे दो, शुक्रिया वो अदा करेंगे। सुनोगे अदादारो नौहे में जुमला सुनते हैं, यह आखिरी जुमला है, अब आगे गिरिया बुलंद हो जाएगी, हुसैन के उस सवारियों का इस्तकबाल करोगे। नौहे में जुमला हम सुनते हैं, नोके नैजा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर, थक गए तो बता दीजिए मेरे अजीजो, ये पढ़ते ना लोगे नैजा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर, पूछा गया क्यों, क्या बीबियां बेरदा थी तो सिर्फ अब्बास का सर क्यों नहीं रुकता था, अब्बास के भाई 3 शहीद हुए हैं उनका सर भी गिर जाता, और हुसैन से बड़ा गैरतदार कौन होगा, हुसैन का सर लोगे नैजा पे क्यों रुकता था, इसका मतलब यह रवायत गलत है। जब पूछा गया मौला आपका सर नोके नाला पे क्यों नहीं रुकता था, का जालिमों ने मेरे सर पे गुर्द मारा था, मेरे सर के हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गई थी, नोके नाला पे सवार नहीं हो पाती थी, अरे रुमाल में
یقیناً تھک چکے ہیں آپ. چار امتیاز شہادت کے ہیں جناب عباس کے, کسی کے سر پہ گرز نہیں لگا ہے سوائے عباس کے. آخری جملہ ہے میرا جی, دو گرز کہیں گوگل میں پڑھیے گا. آخری جملہ ہے, کسی کے سر پہ گرز نہیں لگا سوائے عباس کے. مولا عباس ایسا کیوں کہا؟ کہ 19 ماہ رمضان تھی, میرے بابا کے سر پہ ضربت لگی, میں بے بس تھا. حسین نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے. میں نے کہہ دیا, آپ نے توجہ نہیں کیا میرے عزیزو. کسی کے بازو نہیں قلم ہوئے سوائے عباس کے. مولا عباس ایسا کیوں کہ مجھے, میں دیکھ رہا ہوں 11 محرم کو میری شہزادی اور ان کی پیر سے اپنے آپ کو گرائیں گی تو ہاتھ تو پسے گردن پسے ہوں گے, منہ کے بعد علی کی بیٹی زمین پہ آئے گی. میں اپنا بازو کلام کر کے یہ بتلا رہا ہوں کہ منہ کے بل گرتے کیسے ہیں. کسی کے ہاتھ میں تیر نہیں لگے سوائے عباس کے. میں نے ختم کر دیا میرے عزیزوں. لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچ گیا, مدینے میں ماتم ہے. آخری جملہ, کسی کے ہاتھ میں تیر نہیں لگا سوائے عباس کے. مولا ہاتھ میں تیر کیوں لیا آپ نے؟ کا 28 سفر تھا, میرے آقا حسن کے جنازے پہ تیر لگائے. بہت سے لوگ کہانی کتاب سن رہے ہیں, اللہ ان کے دل کو بھی نرم کر دے. آج دعا مانگ لو کہ اللہ سید سجاد سے بھیک مانگ لو, اللہ میرے غم حسین رونے کی دولت دے دے. آج آخری رات میری زندگی کی نہ ہو, بار بار پر شہدائے حسین پہ. نہیں میرا عزیزو, جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے بس سن لو, جس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے سنو گے. کیوں نہ ہو اہتمام اتنے جناب عباس پہ؟ ہماری دیکھیے گا یہ فریاد ضرور کریے گا, آنسو نہ نکلے کوئی بات نہیں, آواز گریہ بلند کر دو ہائے حسین. جب جیسے ہی جناب عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے, حسین نے اپنی کمر پکڑی, الان ان کا سرا جاری, میری کمر ٹوٹ گئی. کبھی حسین خیمے کی طرف دوڑتے ہیں, کبھی عباس کی طرف دوڑتے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے, ارے آپ یا خیمے کی طرف چلے جائیے یا عباس کی طرف چلے جائیے. کہا ہے میرا جوان مجھے آواز دے رہا ہے, دل تو چاہ رہا وہاں جائے, لیکن خیال آتا ہے کئی ظالموں کو معلوم ہو گیا عباس گھوڑے سے زمین پہ گر گئے تو خیموں پہ حملہ نہ کر دے. اسی لیے کبھی خیموں کی طرح, ارے کبھی عباس کی طرح. اے عباس وہ آنکھیں اب سوئیں گی جو تمہارے خوف میں. لو ہماری آ گئی, ہماری کی پہلی فریاد تھی حسین. السلام علیکم ائمة الہدى ورحمة اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ واقرؤ علیکم السلام. آمن باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه, اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.